दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके और हमारे YouTube चैनल प्राचीन परंपरा पर। दोस्तों गरुड़ पुराण से जुड़े एक नए रहस्य के बारे में आज एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि आखिर ऐसे कौन से 6 संकेत होते हैं जो हमको सफलता मिलने से पहले हमको हमारे कार्य में सफलता मिलने से पहले हमको दिखने लगते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कुछ इस तरह के संकेत मिलते हैं जैसे कि ईश्वर की मूर्ति या फिर कहा जाए तो भगवान की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही हो, ऐसा आपको प्रतीत होने लगे कि कोई भी ईश्वर की मूर्ति या फिर आपके इष्ट देव की मूर्ति या फिर फोटो में जब आप उनको देखते हैं तो आपको ऐसा लग रहा हो कि वह आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, तो यह एक संकेत होता है कि निकट जीवन में आपको आपके कार्य क्षेत्र पर सफलता प्राप्त होने वाली है। उसके बाद दोस्तों आपके घर में 3 छिपकलियों का एक साथ दिखाई देना एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि निकट जीवन में आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकती है। दोस्तों घर में अचानक से काली चींटियों का आना और अपने आप ही उनका गोल घेरा बना लेना, यह एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपको आपके निकट जीवन में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। उसके बाद दोस्तों आपका बिना किसी कारण जब आप सुबह सो के उठते हैं बिना किसी कारण आपका मन प्रसन्न रहना, आप बिल्कुल तनाव मुक्त अपने आप को महसूस करना, अपने मन को हमेशा प्रसन्न महसूस करना, यह भी एक संकेत होता है कि निकट जीवन में आपको आपके कार्य क्षेत्र पर सफलता प्राप्त हो सकती है। उसके बाद दोस्तों यदि आपके दाहिने हाथ में अचानक से खुजली होती है तो यह एक संकेत होता है कि आपको आपके कार्य क्षेत्र पर सफलता प्राप्त हो सकती है। दोस्तों और छठवा, यदि आपको आपके सपने में नेवला दिखाई दे तो दोस्तों यह एक बहुत बड़ा संकेत माना गया है गरुड़ पुराण में कि आपको आपके निकट जीवन में आपके कार्य क्षेत्र पर सफलता प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों यह एक ऐसे 6 संकेत थे जो मैंने आपको बताया कि सफलता मिलने से पहले इस तरह के संकेत यदि आपको मिले तो आपको समझना चाहिए कि निकट जीवन में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल प्राचीन परंपरा को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें।